जो मेरे पास करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरे पास पोस्ट कर लो भी, मेरे पास एक कंडक्टर है ठीक है, और ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। मैं करंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या होना, चार्जेस का गुजरना विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम करंट बोलते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन लिया और ये यहाँ से वहां गया ठीक है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, चार्ज क्या हो गया, गुजरा, और इसको टाइम भी लगा यहाँ से वहां। मैं एक और इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ, तो ये जो चार्जेस का गुजरना होता है कंडक्टर में से, ज़ाहिर है इंसुलेटर में से तो नहीं गुजरेगा। तो हमारे पास जब कंडक्टर में से जो चार्जेस का गुजरना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरे पास क्या होता है, करंट होता है। मैंने इसको यहाँ मैथमेटिकली यहाँ लिखा भी हुआ है कि I इज इक्वल टू चेंज क्यू, क्यू का मतलब हमारे पास जो चार्जेस फ्लो हो रहा, इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था विद अ पैसेज ऑफ टाइम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम करंट बोलते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं वोल्टेज क्या है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो कितनी फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा यहाँ से वहां जाने के लिए, कितनी फोर्स लगती है चार्जेस को पुश करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, वो मेरे पास वोल्टेज कहलाता है। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज था मेरे पास, इस पर मैंने आहिस्ता फोर्स लगाई है, आहिस्ता से वहां आ गया, लेकिन इसका मतलब वोल्टेज कम थी, यानी कि फोर्स कम थी तो वोल्टेज कम थी। वोल्टेज क्या करता है, वो बस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होता है ठीक है, करंट को धक्का दे रहा होता है ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब जो होगा वो वोल्टेज तेज है, तो वोल्टेज अब तेज होगा, इसका मतलब वो जोर से इसको फोर्स देगा, तो ये जल्दी से वहां चला गया। इसी तरह अगर मैं एक साथ फेंकूँ यहाँ पे, तो अभी दोनों को अगर मैं तेजी से फेंक रहा हूँ, मीन्स के वोल्टेज इस वक्त सेम था जो धक्का लगाया मैंने, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या और था, हमारे पास वोल्टेज कम था वो स्लो गया, दूसरे में अगर वोल्टेज तेज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो करंट है वो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गुजरना, और जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो कितनी फोर्स लगा रहा होता है चार्जेस पे उनको मूव कराने के लिए ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ की तरफ, अगर मैं जाऊं